हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इसे संयोजकता बंध सिद्धांत भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये आपको नोट्स बनाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये हिंदी में भी है तो आपको बहुत ही ईजी ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो BBT सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर एवं लंदन ने दिया था, जिसे 1933 में पॉलिंग और स्टेलर ने संशोधन किया और आधुनिक रूप दिया। अतः इसे HLPS थ्योरी भी कहते हैं। अब इसे HLPS थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए आप किस किस ने इसका इसे नाम दिया, तो हिटलर H, लंदन L, पॉलिंग P, स्टेलर ने संशोधन किया इसीलिए और आधुनिक रूप दिया, अतः इसे HLPS थ्योरी भी कहते हैं। ये इनका नाम की जो फर्स्ट पॉइंट है उसे ही इसी कारण से HLPS थ्योरी कहते हैं। अब इसकी जो मेन पॉइंट है इस प्रकार है। फर्स्ट है, बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों आइटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। इसमें बॉन्ड के निर्माण के लिए दोनों आइटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं 1s ऑर्बिटल H आइटम, फिर 1s ऑर्बिटल H आइटम, ये फिर ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ये डायग्राम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इसमें आप ये डायग्राम आप बनाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं थ्योरी बेस में। फिर इसका सेकंड पॉइंट है, आइटम जिनसे मॉलिक्यूल बनता है अर्थात जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वे आइटम उस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। थर्ड पॉइंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाते हैं, और यही अपूर्ण ऑर्बिटल एक नई वृत्त ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरी आपको और भी टॉपिक्स के नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ तो आप वीडियोज़ को पॉज कर करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का दोनों आइटम के मध्य आदान प्रदान होता रहता है जिससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब BBT में H2 मॉलिक्यूल का बनना, फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल के बनने में दोनों H आइटम को एक दूसरे के समीप लाया जाता है जिससे उनके मध्य विभिन्न आकर्षण या अट्रैक्शन व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं।